Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. ऑडियो बुक्स की सीरीज में हमारी पहली बुक है कृष्ण की ओर। इसके लेखक हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य हरे कृष्णा मूवमेंट। विषय सूची: अध्याय एक, सुख का सीधा मार्ग। अध्याय दो, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। अध्याय तीन, सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। अध्याय चार, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। अध्याय पाँच, परम प्रभु की ओर गमन। अध्याय एक, सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वे विकसित नहीं होते हैं। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम तक खड़ा रखा जाए, तो वे ये सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख और दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं, वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो? तो वृक्ष यदि बोल सकता, तो कदाचित यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और इनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उन सुखों की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की योग्यता ही नहीं है कि अगली बारी में वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण ही वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखमात्यांतिक यतदा बुद्धि ग्रहमं इंद्रियदम वेति यत्र न चैवाय श्रुति श्रचलिति तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भागवत गीता श्लोक 6 अध्याय 6 भागवत गीता
अध्याय 6 श्लोक नंबर 29। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वे आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक सफलिंग है। उस सफलिंग में सदा आनंदों भोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतना सफुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक सफुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक सफुलिंग उस स्त्री शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वे आत्मा स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कर कैसे सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोगता है। आत्मा को नापना तोड़ना संभव नहीं है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा को कोई परिमाण नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम अनुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक सफुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए शरीर का विकास हुआ? निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह पदार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म होने अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी यह आवश्यक होंगे, और यदि पुत्र में है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी यह होंगे। अतः ये कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान को उनको नकारें? अति इंद्रियम शब्द का अर्थ है ये कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योग्य नन्ते सत्यानन्दिच्चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं, वह भी अपने अनंत करण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रित में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगीजन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर है। भौतिक शरीर
जनित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर में परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मेलन सम्मेलन ही रासलीला कहलाता है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनियम जैसा नहीं है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनम्य है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना दिखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूसकर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु आतिशबाजी का खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। क्योंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनै शनै अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख में से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? या लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचलिते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थित होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य को महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वे अन्य तथा कथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है, तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्ग्रीव नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का ही घर है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं
और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हम संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है, अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। श्रीमद् भागवत में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इनमें इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है। ये वह सुदृढ़ नौका है, कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह के भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तो विद्या दधात दुख संयोग वियोग योग संगीत्यम, ये ही भौतिक संयोग से उत्पन्न समस्त कलेशों में से वास्तविक मुक्ति है। भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 23। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों को संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सके तो वे वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सनिश्चय योगत्वो योगो निर्विनन चेतसा संकल्प प्रभावना कामस्य कथवा सर्वान शेषतः बन सैवे इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनै शनै रूपमेदं बुद्धया धृति गृह्यते। आत्मसंस्थन मनम कृत्वा न किचिदपि चिन्त्यते। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत यतो निश्चलति। मन श्रवचलम अस्थिरम तत्सतो नियमत आत्मनेव वंश नियते। साधक पुरुष को अविचलित दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन ना करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलायमान हो वहाँ वहाँ से उसका निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। मन सदा अस्थिर रहता है, ये कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगाभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत से
अनेक ब्रह्मांड विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादि काल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में बड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं, पर इन सब कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख है, अतः ये एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण हो के जागृत हो उठती है, जो 10, 20, 30 से 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमें उपचेतन मन से ही आते हैं, और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं, तो उसके तल से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है, तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं, जो उसमें वर्षों से संचित होते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित ना करें, तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। क्योंकि यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है, इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए उनके यम नियम हैं। यदि इनका पालन किया जाए, तो मन शनै-शनै वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है, तो उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे, तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी? जब मन अनंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है, जहाँ वह कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तो वह निश्चल ही हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। प्रशांत मनसं होन योगिन सुखमतम ममम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वे ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्ति पा लेता है। भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 27। मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता रहता है, मुझे यह सुखी बना देगा या मुझे वह सुखी बना देगा। सुख यहाँ है, सुख वहाँ है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। ये अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं और निस्सहाय होकर देखते ही रह सकते हैं। किंतु ज्यों ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा, त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे ये उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर नाक खींच कर ले जाए। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 28। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सभी प्रकार के आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है, तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं, और हमें तो केवल उनसे अपने इस मैत्री को पुनः जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनः जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा
भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हैं और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने के अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की है तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। हरे कृष्णा।